गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th। सभी बच्चों को जो हम पढ़ा रहे थे उनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं आगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं। सेकंड पेपर में क्या पढ़ा रहे थे? कल सेकंड पेपर में हमने आप लोगों को शायद एल्युमिनियम पढ़ाया था। एल्युमिनियम में है फर्स्ट पेपर दे रही है। सेकेंड पेपर में बताओ क्या पढ़ाया था? लास्ट हेडिंग लिखना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की विधियां पढ़ाना है। शायद लिखा था ऑक्साइड की तीन विधियां होती है। हेडिंग पढ़ी होगी ऑक्साइड की प्रमुख तीन विधियां होती हैं। तीन विधियां होती है, तीन विधियां होती है। नंबर एक हॉल विधि, नंबर दो बेयर विधि, नंबर तीन सरफेस विधि। सरफेस विधि फिर नंबर एक पे हेड निकालना है हॉल विधि। तीनों विधियां पढ़ाना है आज हम पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट है क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है। चलो हेड निकालो सभी बच्चे। हॉल विधि लिखिए, हॉल विधि में बोले लिखो वाक साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर, वाक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तथा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ 30 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, 30 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, 30 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेज गर्म करने पर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेज गर्म करने पर एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना बनता है। इस क्रिया को हॉल विधि कहते हैं, इस क्रिया को हॉल विधि कहते हैं। चलो देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हॉल विधि और बेयर विधि और सरफेस विधि। इनमें से जो हॉल विधि है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले K2O3 (2H2O) ये पूरा फार्मूला बेटा किसका होता है? बॉक्साइड का। क्या का फार्मूला होता है? बॉक्साइड का। बॉक्साइड को सबसे पहले किसके साथ गर्म करना है बता सकती हो? सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। बोला है कि बॉक्साइड का, ये बॉक्साइड मालूम क्या होता है?
ये ऑक्साइड बेटा एल्युमिनियम का मुक्त अयस्क होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम का मुक्त अयस्क होता है ऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके NaAlO2 यानी सोडियम मेटा एल्युमिनेट, सोडियम मेटा एल्युमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता। सोडियम मेटा एल्युमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। Na2 है Na2 लगा दिया, Al2 है Al2 हो गए, C8 है C8 है, H4 है H2 दूनी चार हो गए, Al2 हो गए Na2 हो गए C8 हो गए H4 हो गए, O3 2 5 3 8, O2 दूनी चार, 2 6 2 8, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है, ये सोडियम मेटा एल्युमिनेट है, ये सोडियम कार्बन के पीछे पड़ चुकी पूरा, ये तो पता है ऑक्साइड। फिर पुनः सुनो, पूरी देख लो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ 30 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, AlOH की होल थ्राइस, AlOH की होल थ्राइस प्लस क्या बचा? सोडियम कार्बोनेट बचा। सोचो जरा, AlA एंड यहां दो दबाओ, Na2 Na2, Al2 Al2, Na2 Al2, HC HC, H2 H2, 3 2 6 H3 2 6 H3 2 6, O2 2 4 2 6 3 9, 3 2 6 3 9, ये होता है बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये पता है सोडियम का लास्ट में, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेज गर्म करना, क्या तेज गर्म करना? Al2O3, यही तो हमें बनाना था एल्यूमिना, या ऐसे कह सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। O3 6 में से 3 निकल गए 3 बचे 6 H बचे तो 3 H2O। अब नोट कर लो पूरी विधि, इस विधि को हॉल विधि कहते हैं। जहां ना समझ गया हम बता दें तो हम फिर से बता देंगे, लेकिन इस विधि का सभी जगह नाम सोडियम मेटा एल्युमिनेट वही से लिखा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वही से लिखा है। नोट कर लो, हॉल विधि बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल है, जहां आपको समझ में आए पूछ सकते हैं। जल्दी से नोट करो और दूसरी हेडिंग डालो। तीनों विधियां हो जाए तो और अच्छा, नोट हो गया हो तो दूसरी हेडिंग डालिए जल्दी से। जल्दी से करो, हो गया? सभी बच्चे ध्यान से पढ़े बेटा, और जिनको जो प्रॉब्लम है पूछते जाएं, और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हों या ट्वेल्थ के हों या हाई स्कूल के हों, जो प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। और एक सूचना दे दें, जो बच्चे अगर पढ़ना चाहें स्पेशल ट्यूशन, तो फर्स्ट ईयर की क्लास घर में 5 बजे से लग रही है और इंटर का बैच 4 बजे और हाई स्कूल का 3 बजे। जो बच्चा अगर आना चाहे किसी के संपर्क में हो तो आप इस समय संपर्क कर सकते हैं, 3 बजे से आपका हाई स्कूल है, 4 बजे से ट्वेल्थ है और 5 बजे से 11th का बैच है, ठीक है? आगे देखो, सेकेंड हेडिंग डालिए सब लोग, वेयर विधि। हेडिंग क्या डालो? वेयर विधि, वेयर विधि। हेडिंग डालिए वेयर विधि, हो गई हॉल विधि बेटा। लिखिए वेयर विधि में सबसे पहले लिखिए वॉक्साइड को, वही एल्युमिनियम का मुक्त अयस्क होता है वॉक्साइड, लिखिए वॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर सोडियम में
मेटा एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है तथा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल के साथ मिलाने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल के साथ मिलाने पर जल के साथ मिलाने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्युमिना बनता है, इसी को एल्युमिना लिखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्युमिना बनता है, ठीक है। दूसरी है बेयर विधि, बेयर विधि, ठीक बेटा समझो है। अगले समय तो बताने जा रहा है, सबसे पहले ऑक्साइड Al2O3 × 2H2O, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड को NaOH सोडा लाइम के साथ क्रिया करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2O। आपको पता है Al यहाँ दो है, दो लगा दो Al दो हो गए, Na2 तो Na2, अब H4 2 6 तो H3 2 6, O3 2 5 2 7, O2 2 4 3 7, फिर पुनः देखो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कितने यानी किसके साथ गर्म करना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल के साथ हिलाना है, यानी जो हमारा पूरा बना उसी के साथ प्लस H2O के साथ हिलाना है या गर्म करने पर हिलाने पर, तो बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2H3O3। यहाँ दो लगते हैं Al2, ठीक है, Na2 बचे और H2 बचे, को कितने हो गए 2 × 4 = 5, H3 × 6 = 6, Al2 ठीक है, Na3 × 2 = 4 × 3 = 7, यहाँ 3 × 6 निकल गए NaOH। सुनो Na2 तो Na2 हो गए, Al2 हो गए, H3 × 6 = 8, तो H4 × 8, O2 × 4 = 8, O3 × 6 = 8, फिर लास्ट में इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके Al2O3 + H2O, दो लगा दिए Al2O3 × 6 = 3 निकल गए, 3 बचे H6, इसी को कहते हैं एल्यूमिना या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी बच्चे, बेयर विधि नोट कर लीजिए, बेयर विधि जहां समझ में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा नंबर है निकालेंगे सर्पे विधि, सर्पे विधि नोट कर लो जल्दी से, तीसरी है निकालो सर्पे विधि, तीनों विधियां आज कंप्लीट हो जाए एक साथ।
ठीक है, अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर लें। लिखिएगा, नोट करो जल्दी से, बेयर विधि नोट हो गई बेटा। तीसरी है करो सर्पेट विधि, सर्पेट विधि लिखिएगा। सर्पेट विधि में वाक साइड को कार्बन और नाइट्रोजन के साथ वाक साइड को कार्बन और नाइट्रोजन के साथ 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। लिखा एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेज गर्म करने पर एल्यूमिना बनता है। चलते तीसरी है सर्पेट विधि, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले वाक्साइड का सूत्र A2O3 × 2H2O को नाइट्रोजन और इससे किसके साथ बोला कि वाक्साइड को नाइट्रोजन और किसके साथ कार्बन के साथ देखा नहीं क्या 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर 1800 पे गर्म करेंगे तो बन जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड KLN। एल्यूमिनियम दो है, नाइट्राइड दो है, तो यहाँ लिखेंगे 2KLN एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड KL2N2 एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। एल्यूमिनियम नाइट्राइड पर KLN2 के बाद CO कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बचे। सुनो AL2N2 C यहाँ पर कितने हैं, एक O और तीन है, तो यहाँ चाहो तो लिख सकते हो 3CO, 3 यहाँ लगा दो, 3C तीनों कार्बन मोनोऑक्साइड, H4 H2O2 4 O2 O2 ये तीनों ही है कार्बन, ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड और ये है कार्बन मोनो ऑक्साइड और जल तो होते ही पुनः फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है AL2 N2 H3 × 6 × 9 X3 × 6 × 9 O3 × 6 लगा दिए, कितने लगा दिए, O देखो 3 × 6 O6 हो गए AL2 AL2 N2 N2 H6 × 12 H3 × 6 और 3 × 6 = 12 ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। पीछे बता चुकी है अमोनिया है, ठीक। फिर लास्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेज गर्म करने पर Al2O3 लगा दो Al2O3 +3H2O इसी पहले एल्यूमिनियम। ये तीनों विधियां हो गई। तीसरी है सर्पेट विधि है, हॉल विधि, बेयर विधि और सर्पेट विधि। तीनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से लिख लें, जहां ना समझ में आए हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। सभी बच्चों को अगली क्लास के लिए जय हिंद, जहां ना समझ में पूछ लें। धन्यवाद।